हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ संजीव डोंगरे और मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही उम्दा तरीके की विंटेज कार। सो प्रेजेंटिंग दिस हिंदुस्तान कॉन्टेसा 1993 मॉडल। सो गाइस, ये जो आपको गाड़ी दिख रही है, ये गाड़ी अगेन रिस्टोर्ड कार है, राइट। सो ये रिस्टोर की है मेरे एक स्टूडेंट प्लस दोस्त कह सकते हैं सूरज ने, जिसको आपने इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा होगा, राइट। सो ये ऑरेंज बीस्ट को अभी सूरज की ज़ुबानी सुनते हैं कि सूरज ने उसमें क्या क्या किया है, ये गाड़ी उसने कैसे मेंटेन की है, गाड़ी में कुछ चेंजेस किए हैं या, और गाड़ी के बारे में सब डिटेल अभी सूरज से ही पूछते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सूरज, पहले आप मुझे बताइए, गाड़ी जो आपने पुरानी गाड़ी खरीदी थी, जो जिसको आपने बाद में रिस्टोर किया था, तो ये गाड़ी आपने कितने में खरीदी थी और कहाँ से खरीदी थी? ये गाड़ी एक प्रोफेशनल एडवोकेट की थी, जो कि उसने पिंपरी से लाई थी, पूना से, क्योंकि बाद में उसकी डेथ होने के बाद वो बंद ही थी। चार से पाँच साल बंद थी, उससे इसका पूरा पेंट और सब खराब हुआ था। हमने ये गाड़ी 25,000 में खरीदी थी 2013 में, और उसके बाद आपने इसको रिस्टोर किया। हाँ। सो अभी आगे पूछते हैं, सूरज भाई बताइए गाड़ी के इंजन के बारे में, जो मेन हार्ट होता है किसी भी गाड़ी का, दैट इज़ इंजन। सो इंजन के बारे में आप बताइए आप हमें। इंजन इसमें पेट्रोल इंजन लगा हुआ है 1.8 लीटर, जो कि लगभग 80 bhp जनरेट करता है। अगर आपने इंजन में कुछ चेंजेस किए हैं या इंजन स्टॉक ही रखा है? इंजन स्टॉक ही रखा है। अच्छा, मतलब जब गाड़ी लाई थी तब आपने उसका इंजन स्टॉक ही रखा था, ओवरऑल करके गाड़ी का इंजन स्टॉक ही रखा है। ओके, तो सूरज पहले बताओ, ये जो गाड़ी का खूबसूरत पेंट दिख रहा है, वो पेंटिंग आपने कहाँ से किया? यही पेंट क्यों खरीदा, मतलब क्यों किया इस गाड़ी को, इसका कॉस्टिंग कितना है और कहाँ से ये पेंट आपने किया है? ये पेंट मैंने रत्नागिरी से किया है, ये बम्बई से मैंने अपने चॉइस का कलर यूज़ किया है इसमें। ओके, इसका पेंटिंग का लगभग 30,000 खर्चा आया है। ओके, सो 30,000 में ये सब पूरी गाड़ी पेंट हो गई, राइट। सो सूरज भाई, अभी हमें बताइए, ये टायर जो दिख रहे हैं हमें, चार ही टायर, ये कंपनी के स्टॉक टायर है या आपने इसमें कुछ चेंजेस किए, साइज भी चेंज किया कुछ? हाँ, ये स्टॉक साइज है। कितना साइज है ये? 185/17/13। ओके, और ये आपने कौन से कंपनी के टायर यूज़ किए? अपोलो का यूज़ किया, अपोलो। ओके, और ये ट्यूबलेस टायर है या ट्यूब टायर है? ट्यूबलेस टायर, ट्यूबलेस ही है लेकिन हमने उसमें ट्यूब डाला है। ओके, ट्यूब फॉर अ प्रिकॉशन पर्पस, राइट। सो ये ओल्ड गाड़ी है, इसलिए उसने सूरज ने इसमें प्रिकॉशन रखने के लिए इसमें ट्यूबलेस टायर के अंदर ट्यूब यूज़ किया है। ओके, देन मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, अभी हम लोग देखते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या है, राइट। सो अभी चलते हैं इंटीरियर में। सूरज, हम लोग अंदर तो आ गए हैं लेकिन एक पार्ट बाकी रह गया, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सस्पेंशन। सो सस्पेंशन के बारे में हमें बताइए कि आपने सस्पेंशन जो इस गाड़ी का कॉन्टेसा का जो स्टॉक सस्पेंशन है वही रखा है या उसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने उसमें कुछ चेंजेस किए क्या? सस्पेंशन इसका स्टॉक ही रखा है। ओके, बस उसका बुशिंग वगैरह चेंज किया है उसके। ओके, मतलब उसका सर्विस किया। फ्रंट साइड में कौन सा है? फ्रंट में डबल विशबोन है, कॉइल डबल विशबोन विद कॉइल स्प्रिंग, और रियर साइड में मल्टी लिंक कॉइल स्प्रिंग है। ओके, रियर में है मल्टी लिंक कॉइल स्प्रिंग। तो ये देखिए, ये थी टेक्नोलॉजी पुराने जमाने की, जब ये विंटेज कारें बनी थी तब इतनी अच्छी सस्पेंशन सिस्टम इन कारों में बिठाई गई थी। इंटीरियर में आपने बहुत सारे चेंजेस के लिए किए, ऑलमोस्ट जो इंटीरियर है वो कार के कलर के हिसाब से ही आपने चेंज किया है। सो शुरुआत करते हैं स्टेयरिंग से। ये जो स्टेयरिंग व्हील है, ये आपने शायद ये स्टॉक वाला नहीं है, राइट, ये आफ्टर मार्केट परचेस किया है। ओके, देन अबाउट दिस डैशबोर्ड पर ये जो लेदर का स्ट्रिप है, ये आपने मतलब कैसे किया, कहाँ से करवाया? ये लोकल कारीगर से किया है सब।
मतलब यहाँ से ही किया है रत्ने? ओके, ये मतलब यहाँ से ही किया है। नेक्स्ट, जो आपने सीट और जो जो डोर है, डोर के पैनल जो भी लेदर में, सब एक साथ किया है? सीट, डोर और ये रूफ का भी, रूफ का भी उनसे ही किया। सो एक अप्रोक्सीमेट आप कॉस्टिंग बताइए कि इसका इंटीरियर अगर आपको सेम कलर में चाहिए या ड्यूअल टोन में ऐसे चाहिए तो आपने कितना खर्चा आ सकता है एक विंटेज कार के लिए या इसी कार के लिए? 10 to 15,000 ऑन दिस इंटीरियर, राइट? और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक टैकोमीटर है, मैं आपको सिनेमेटिक्स में दिखाऊंगा, तो वो टैकोमीटर है, वो भी आपने आफ्टर मार्केट यूज किया, राइट? सो इसका कितना कॉस्ट है? लेकिन इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि इसमें एक टैकोमीटर लगाने की जरूरत पड़ी है बिकॉज टू गिव दिस बीस्ट अ सेक्सी लुक और उसका परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। यहाँ पे गियर बॉक्स जो दिख रहा है, गियर बॉक्स का नॉब दिख रहा है, गियर नॉब, तो वहाँ पे तो 5-speed ट्रांसमिशन है। सो ये शायद उस टाइम की एक रेयरेस्ट कार होगी जो 5-speed होगी, राइट? राइट। ओके, सो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये 5-speed ट्रांसमिशन है यहाँ पे। और आप इंजन के बारे में कुछ बोल रहे थे, इंजन का कौन सा कंपनी का ये स्पेशल? इसुजु कंपनी का है जो कि जापानीज मेड है। ओके, सो दोस्तों ये देखिए, ये कॉन्टेसा का जो इंजन है, जो इसुजु कंपनी का जापानीज मेड इंजन इस गाड़ी में फिटेड है और अलॉन्ग विद दिस इट हैविंग अ 5-speed ट्रांसमिशन। ओके, सो अभी हमें बताइए, इतना मस्त एक जापानीज मेड इंजन है, 5-speed ट्रांसमिशन है, सो ऑब्वियसली ऐसी कार अगर कोई लेके जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस तो चेक होना ही है। तो आपने एक मेरी दर्शकों की तरफ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको कि आपने इस गाड़ी में कितना टॉप स्पीड मैक्सिमम रीच किया है ऑन दिस बीस्ट? ऑन पेपर कितना है वो पहले बताइए। ऑन पेपर 160 है। ओके, नोट डाउन कीजिए गाइस, ऑन पेपर 160 किलोमीटर पर आवर ये गाड़ी जा सकती है। और सूरज भाई ने किया है 120। यस, ओके। और बाद में ये इतना सारा परफॉर्मेंस होने के बाद एक तो क्वेश्चन सबके, सब कस्टमर या सब अपने व्यूअर्स के मन में आएगा कि कितना देती है, अ कॉमन इंडियन क्वेश्चन। सो आप बताइए हमें कि ऑलरेडी ये पूछना बहुत ही गलती है लेकिन फिर भी बताइए, मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन कब से आ रहा है कि ये कितना देती है, पेट्रोल इंजन है तो कितना देती है? 7 से आगे 12 तक आप जैसे चलोगे वैसा मिलेगा। देखा दोस्तों, तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतना अच्छा जापानीज इंजन है ऑब्वियसली, तो कितना देते हैं ये क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही कम आएगा। सो अप्रोक्सीमेटली दिस क्वांटिसा बीस्ट गिव्स यू अ 7 to 8, इतना ही माइलेज देती है, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकती ऑब्वियसली, इतना बढ़िया इंजन है। आपको 10-11 मिल सकता है। यस, ऑन हाईवे यू कैन गेट अ 10 to 12, बट इट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग हैबिट्स एंड ऑब्वियसली अवर रोड कंडीशन। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस हिंदुस्तान क्वांटिसा वीडियो, राइट? सो सूरज भाई के लिए मैं आप सब की तरफ से उनको थैंक यू बोलता हूँ कि हमेशा वो ऐसे नए नए गाड़ियाँ लेके आते हैं, हमारे चैनल पे फीचर करते हैं। सो मैं आपको ऑल द बेस्ट देना चाहता हूँ और मेरी तहे दिल से एक गुजारिश है कि आप हमेशा ऐसी नई गाड़ियाँ मॉडिफाई कीजिए, बनाइए, खरीदिए और वो सब गाड़ियाँ हमारे चैनल पे सिर्फ फीचर कीजिए, सो दैट आवर चैनल विल ग्रो लाइक एनीथिंग। ओके, सो अगेन वन मोर रिक्वेस्ट गाइज कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, अगर कुछ कम लगा तो डिसलाइक करके कमेंट में मेंशन कीजिए। और वन मोर थिंग, अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सूरज सब्सक्राइब कीजिए, राइट? सो दैट फ्यूचर में आपको जो अच्छी अच्छी वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन एडवांस में मिलेगा। ओके, सो गाइज तब तक के लिए गुड बाय।